Once again, welcome all my dear students. This is your English educator Praveen Pratap. और आप सभी का मैं स्टडी सिटी पे एक बार फिर से स्वागत करता हूँ. टॉपरो की चॉइस मॉडल सेट की प्रैक्टिस आज से शुरू हो रही है. आज एक जंग है इंग्लिश के विरुद्ध और आज से आप लोग तैयार हो जाइए, कमर कस लीजिए. इस कहानी की शुरुआत करने से पहले हम एक मोटिवेशनल कोट से चलेंगे. थोड़ा इंटरेस्टिंग है कि कहते हैं कि तुम आइंस्टीन सी तेज प्रिय और मैं कहां नॉनसेंस प्रिय. तुम आइंस्टीन सी तेज प्रिय और मैं कहां नॉनसेंस प्रिय. मैं मुश्किल से 12वीं पास और तुम यूपीएससी मेंस प्रिय. इसी के साथ हम इस कहानी के आगाज करते हैं और पहला क्वेश्चन हमारा मॉडल सेट का सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछे गए हैं. अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो अपने गुरु पे तो आप जाके देख सकते हैं. इसमें मिक्सिंग प्रैक्टिस आपको मिलेगा, ग्रामर और वोकैब आपको क्या क्या मिलेगा बाबू. तो आपको मिलेगा सबसे पहली बात ग्रामर मिलेगा, वोकैब मिलेगा, बुक मिलेगा. यानी कि ओवरऑल अगर बात की जाए बाबू तो सब कुछ आपको मिलेगा. क्या मिलेगा? सब कुछ मिलेगा. चलिए तो इस कहानी की आगाज करते हैं हम. और आगाज करने से पहले पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा. क्वेश्चन देने का प्रयास करिएगा. लिखा है I was waiting this her on for the platform. एक प्लेटफॉर्म है जिस पर कोई आदमी किसी का इंतजार कर रहा, तो उसके लिए इंतजार करेगा. इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहां से? फोर. क्या हो जाएगा? फोर, कि मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूं कहां? ऑन द प्लेटफॉर्म. चलिए आगे हम बात करेंगे बाबू. और आगे मेरा क्वेश्चन नंबर सेकेंड है. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है मेरा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड पे बात करेंगे बाबू कि आपको दिखाई दे रहा है सिग्गा नोया बिलोंग्स टू, कि सिग्गा नोया हमारे राइटर्स है द आर्टिस्ट के. सबसे पहली बात इस सिग्गा नोया के बारे में हम बात कर ले तो सिग्गा नोया आर्टिस्ट है, राइटर्स है द आर्टिस्ट के. किसके राइटर है? द आर्टिस्ट के. अगर इससे भी थोड़ा और इसके बारे में जानकारी लेनी चाहे तो आपको एक बात याद रखनी है, जार जे ए आर. क्या याद रखनी है? जे ए आर. अगर जे ए आर की हम बात करें तो जे से होता है बाबू जापान. क्या होता है? जापान. और जापान जापान के ही है कौन? जापान के ही है सिग्गा नोया. कौन? सिग्गा नोया. जापान के ही है सिग्गा नोया. कौन है? ए से अगर हम बात करें तो ए से है ऑस्ट्रेलिया. ए से है ऑस्ट्रेलिया. और ऑस्ट्रेलिया के हैं आपके जर्मन गरीर. क्या? जर्मन गरीर. अगर आर से बाबू बात करें तो आर फोर रसिया. आर फोर रसिया. और रसिया के हैं सिग्गा, सॉरी रसिया के हैं आपका हो गया रसिया का, रसिया का एंटोन चीखो. रसिया का हो गया एंटोन चीखो. एंटोन चीखो. तो एक आप याद रखेंगे ट्रिक है ये, जार. क्या है ट्रिक है ये बाबू? जार. कि जार, जार मतलब जे फॉर जापान. जापान से हो गया आपका सिग्गा नोया. वही पूछ रहे हैं सिग्गा नोया बिलोंग्स टू कहां से कर रहे हैं? ब्रिटेन से नॉट, अमेरिका से नॉट, जापान से. कहां से कर रहे हैं? जापान से. तो यहां से आपको हम कंप्लीट सिखाएंगे और इससे ही क्वेश्चन आएगा आपके बिहार बोर्ड में, इसी से ही क्वेश्चन आएगा. आगे बात लिखा गया है बाबू, आगे बात लिखा गया है. देखिए अब एक पहला क्वेश्चन ग्रामर से था, दूसरा क्वेश्चन बुक से आ गया, तीसरा क्वेश्चन आ गया आपका वोकैब से. क्या लिखा है? वन. क्या लिखा है बाबू? वन हु लिव्स ऑन फ्लेश कॉल्ड. फ्लेश मतलब होता है बाबू मांस. क्या होता है? मांस. वैसा चीज जो मांस पे रहता हो. तो सबसे पहली बात हम हार्वीवोरस पे बात करते हैं. इसको हम बोलते हैं वन हु इट्स, वन हु इट्स, वन हु इट्स, या इसको हम बोलते हैं वन हु इट्स वेजिटेबल्स. वेजिटेबल्स यानी कि हम इसको बोलते हैं एनी अदर थिंग्स. इसको हम बोलते हैं बाबू शाकाहारी. क्या बोलते हैं? शाकाहारी. अगर हम ओमनीवोरस की बात करें
तो इसको हम बोलते हैं ये बोथ खाता है, वन हु ईट्स बोथ। बोथ कहने का मतलब क्या हुआ बाबू, बोथ कहने का मतलब हुआ ये इट फ्लेश भी खाता है, क्या खाते हैं बाबू, फ्लेश भी खाते हैं और प्लस में वेज भी, वेजिटेबल भी खाते हैं। तो इसको हम बोलते हैं बाबू सर्वाहारी, क्या बोलते हैं सर्वाहारी। और कैनिबल की बात करें हम तो इसको हम बोलते हैं वन हु ईट्स ऑन स्पेसीज, जो अपने ही प्राणी का भक्षण करे, अपने ही प्राणी का भक्षण करे, प्राणी का भक्षण करे यानी अपने ही प्राणी को खाए, यानी इसी को हम बोल सकते हैं नरभक्षी, क्या बोल सकते हैं बाबू नरभक्षी। अगर नरभक्षी की हम बात करें बाबू, अब अगला है कार्निवोरस। कार्निवोरस किसको कहते हैं, जो मांस खाता हो, मांसाहारी। यानी कि हमारा आंसर क्या हो गया इसका, तीसरा क्रिटी। आई बात समझ में, देखिए कितना अच्छा से हमने सारे वर्ड्स को बात समझ गए। हार्बीवोरस मतलब सर शाकाहारी, ओमनीवोरस मतलब सर सर्वाहारी, जो वेजिटेबल्स और मांस दोनों खाते हो। कैनिबल मतलब सर नरभक्षी, और हमारा बी फॉर डेली आंसर हो गया क्या आपका, हो गया मांसाहारी। आगे हम अगर बात करते हैं बाबू, आगे हम अगर बात करते हैं थोड़ा सा अगर गौर से अगर आप देखते हैं इस बात को, लिखा है विच वन ऑफ द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। देखिए लिखा है कमिटी, तो कमिटी कमिटी गलत है, सीओ कमिटी, इसमें तो महा गलत है, ई तो महा गलत है, एक ही मेरा ऑप्शन है। कमिटी मतलब क्या होता है आप जानते हैं, समिति भी बोल सकते हैं, सदस्य भी बोल सकते हैं, सदस्य नहीं समिति, समझिए समिति। कमिटी मतलब क्या होता है, समिति, किसी भी चीज के समिति बनता है उसको हम क्या कहते हैं, कमिटी। तो बोल रहा है विच वन ऑफ द करेक्टली, यानी कौन इसमें स्पेलिंग टेस्ट, इसको हम बोलते हैं बाबू स्पेलिंग टेस्ट, ये आपके एग्जाम में आएगा। हम पहले ही बोले हैं इसमें क्या है स्पेलिंग टेस्ट, इसमें से आपको डायरेक्ट देखने को मिलेगा, याद रख लीजिएगा, अगर आप देखने को मिलेगा, अगर इसको आप इग्नोर करते हैं ना, जल्दी हम बिहार बोर्ड की जो हाल फिलहाल ने पब्लिश किए उसको हम एकदम कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आके आ रहा है, आपको चिंतित होने की बात नहीं है। फिलहाल आप हमारे चैनल पर बने रहिए और आगे भी शेयर करें, इससे डायरेक्ट मिलेगा, ये बात पहले बोल दे रहे हैं, आप निश्चिंत होकर बैठिए। लिखा है बाबू इंग्लिश इज ओरिजिनली अ डैश लैंग्वेज, इंग्लिश जो है कैसा लैंग्वेज है बाबू। तो सबसे पहले बात, अगर आप बाबू इसमें से कोई भी आदमी अगर पढ़े होंगे कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, क्या हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश, तो भले इंग्लिश हम लोग समझते हैं कि इंग्लैंड का है, लेकिन ऐसी कोई बात है नहीं बाबू, ऐसी कोई बात है नहीं। इंग्लिश तो सबसे पहली बात बाबू, सबसे पहली बात बाबू फ्रेंच की लैंग्वेज नहीं है, स्पेनिश की नहीं है, इटालियन की नहीं, किसकी है, एंग्लो जर्मन बोलते हैं, अब यहां पर जर्मन दिया है तो जर्मन हम समझेंगे, आई बात समझ में, इंग्लिश। चलिए अब सबसे पहली बात, अब देखिए इसमें थोड़ा फिर देखिए अगला क्वेश्चन आ गया किस चीज से बाबू, तो आप ही कहेंगे सर यहां से तो आ गया आपका सीधा ग्रामर से, ये क्वेश्चन पूछा गया बाबू आपका प्रेपोजिशन से, किससे पूछा गया बाबू, प्रेपोजिशन से, प्रेपोजिशन से आपका बाबू पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर सिक्स। देखिए सबसे पहली बात समझिए बाबू, एक होता है बाबू बाय, बाय हम यूज करते हैं बाबू लिविंग थिंग के लिए, यानी सजीव वस्तु के लिए, हिंदी में डायरेक्टर लिखते हैं सजीव वस्तु के लिए बाय का प्रयोग करते हैं, और दूसरा होता है बाबू विद, जो हम प्रयोग करते हैं निर्जीव वस्तु के लिए, किसके लिए, निर्जीव वस्तु के लिए। अब अगर हम गौर से अगर आप देखेंगे तो हम यहां पर एक क्वेश्चन लिखते हैं बाबू, पहला नंबर क्वेश्चन हम लिख रहे हैं कि अ टाइगर इज किल्ड डैश मोहन, अ टाइगर इज किल्ड डैश मोहन, और दूसरा हम लिखते हैं अ कैट, दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं ही कट हिज फिंगर, ही कट हिज फिंगर बाय नाइफ। अब गौर से अगर आप देखेंगे बाबू इसमें आपको भरना है, तो अगर आप देखेंगे कि एक टाइगर मारा गया किसके द्वारा, मोहन के द्वारा, अगर बात मोहन की जाए बाबू तो मोहन क्या है, सजीव है, तो आप बोलेंगे सर यहां पर आप बाय लगा दीजिए। दूसरी बात बोलेंगे सर यहां पर तो निर्जीव है, अगर यहां पर निर्जीव है सर तो इसके लिए क्या आएगा आप ही बताइए, क्या आएगा, तो आप बोलेंगे सर यहां तो विद आना चाहिए, हमने बोला सही बात यहां पर क्या आनी चाहिए, विद आना चाहिए। हम एक क्वेश्चन और लिख कर बनाइए, लिख रहे हम आई रोट
a letter dash pen. I wrote a letter dash pen. और दूसरा हम लिख रहे हैं I wrote a letter dash ink. Dash ink. तो इसमें आप कहेंगे सर ये दोनों तो सजीव है और सॉरी निर्जीव है, तो दोनों के लिए क्या आएगा विद, दोनों के लिए क्या आएगा विद. लेकिन यहां पर आप हो जाएंगे सही, लेकिन यहां पर आप हो जाएंगे गलत. क्या हो जाएंगे बाबू? गलत. सर क्यों गलत हो जाएंगे सर? यहां पर तो इंक भी एक निर्जीव वस्तु है, लेकिन आप याद रखिएगा, याद रखिएगा बाबू. क्या याद रखना है कि ऐसी कोई सी भी चीज, कोई भी, कहां लिखे, यहां लिखते हैं, चलिए गौर से देखिए. अगर आप ऐसा कोई सा भी चीज, क्या कोई भी चीज, कोई भी चीज चीज जिसे दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते, क्या नहीं कर सकते, नहीं कर सकते हैं. ऐसे दो तीन चीज है बाबू जिसको आप दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते. जैसे कौन कौन है तो देख लीजिए, पहले कौन कौन है बाबू, तो पहला है आपका पेंसिल, दूसरा है बाबू आपका इंक, ठीक है, पेंसिल इंक, और एक होता है बाबू चौक. क्या होता है चौक? जो हम लोग मास्टर साहब लिखते थे उजला वाला हो. इस तीनों के लिए बाबू प्रेपोजिशन आती है इन. क्या आती है? इन. तो आप बोलेंगे सर तो आप इतना बता दिए है तो इसको हटाइए और यहां लिखिए इन. क्या लिखेंगे? इन. क्योंकि आप अगर बात करें पेंसिल की, बात करें इंक की, या बात करें चौक की, इसको आप एक बार खत्म कर लेने के बाद दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते. तो हमने देखा, हमने क्या देखा सर, कि सी राइट्स डैश इंक, इंक यहां पर वही बात हो गया सर, तो यहां पर क्या लगेगा? इन. ऑप्शन नंबर आपका ये आंसर. आई बात समझ में? तो ये रहा आपका, देखिए ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट आपको आंसर चुनवा दिए, ये आपका रहा बाबू कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. क्या? कंप्लीट एक्सप्लेनेशन. चलिए आगे हम बात करेंगे बाबू, आगे हम बात करेंगे. लिखा है देखिए, अब यहां पर पेन आ गया, क्या चीज बाबू? नर्जीव वस्तु. अब नर्जीव आ गया बाबू तो हम क्या करेंगे आप ही बताइए, क्या लगाएंगे इसके लिए? तो अभी पढ़ क्या है इसलिए डायरेक्ट आंसर दिए. नंबर 8. अब देखिए ये कहानी सब है, इसको पढ़िएगा तब ये पता आएगा कि अब लिखा है नानू काका इज द मेन कैरेक्टर. नानू काका कौन से स्टोरी का है? तो आप कहेंगे सर ये तो हम पढ़े हैं पिंच ऑफ स्नफ. अब पिंच ऑफ स्नफ की सबसे पहली बात अगर गौर से कर दी जाए कि सर अब पिंच ऑफ स्नफ के राइटर कौन है, तो पिंच ऑफ स्नफ के राइटर है मनोहर मालगोलकर. कौन है? मनोहर मालगोलकर. द आर्टिस्ट के राइटर कौन है सर? तो सिग्गा नोया. कौन है? सिग्गा नोया. द अर्थ के राइटर कौन है? तो प्रियलस बग. कौन है? प्रियलस बग. तो सारी कहानी इससे रिलेटेड हो गई. अब आगे बात हम करते हैं, हु इज द राइटर ऑफ पेमेला. अगर हम इस पेमेला की बात करें बाबू, इस पेमेला की बात हम करें, इस पेमेला की अगर हम बात करें बाबू, इस पेमेला की, तो इसके राइटर है रिचर्डसन. कौन है राइटर इनके? रिचर्डसन. चलिए आगे हम बात करेंगे बाबू. 10 नंबर पे लिखा है नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट इनके. आप देखिए इसको तो हम अच्छा से याद कराए कि पत्ता गिर रहा था और नीचे डब्ल्यू एच ऑर्डन नाम की दीदी पत्ता खहर रही थी, तो डब्ल्यू एच ऑर्डन होगी इनके राइटर्स. आगे हम बात करेंगे आई डैश दली. अब देखिए यहां पर ये प्लान है, टुमोरो देख के नहीं घबराना है कि टुमोरो है तो हम विल को चूज कर लेंगे तो आप हो जाएंगे गलत. ये प्लान है, इसको बोलते हैं प्लान एक्शन. और यहाँ पर हमको क्या दिखाई दे रहा है? V4. तो V4 दिखाई दे रहा है, सबसे पहले पास्ट तो आएगा नहीं, फ्यूचर के लिए यहाँ पर V4 है तो V होनी चाहिए, है नहीं, तो एक ही ऑप्शन मेरा बच गया, ऑप्शन नंबर ए. आते हैं गुरु जी हम 12 पे, तो हम देखेंगे. अब देखिए इस बात को ना एक कॉन्सेप्ट लिख के डाल लीजिए. कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट कहता है, कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जब कभी भी आपको व्हाट उसके बाद लिखा हो और उसके बाद आपका नाउन लिखा हो, उसके बाद अगर कुछ भी लिखा हो, साइन अप एक्सक्लेमेशन लिखा हो, ये बात हो, इसी में जोड़ देते दोबारा क्या है लिखे, या नहीं तो बाबू इसके लिए आपको एक सच लिख के दे देगा कभी कभी. इस बात को, स्ट्रक्चर को गौर से समझिए. अगर हम आगे बात करें बाबू कि लिखा है सर सच से स्टार्ट हो या व्हाट से स्टार्ट हो, तो हम यहाँ पर पुट करेंगे बाबू ए या एन.
और वो ए और एन इसके अकॉर्डिंग पुट होगा, किसके अकॉर्डिंग पुट होगा, इसके अकॉर्डिंग। अगर हम बात करें बाबू इसकी, तो सबसे पहले सर वाट से स्टार्ट है, या तो इसमें ए आएगा या तो इसमें एन आएगा, तो ऑफ को हटाओ द को हटाओ, दो ऑप्शन आपका छट गया। अब आगे हम बात करेंगे सर ये तो ब्यूटीफुल लिखा है, बॉ से स्टार्ट हो रहा है, बॉ से मतलब गुरु जी, ए आई बात समझ में। चलिए आगे हम चलेंगे, ये देखिए आपको कुछ ही दिन पहले हम कराए हैं, जो स्टूडेंट डायरेक्ट इसमें आए हैं सो प्लीज एक लास्ट वीडियो होगा टेंस और कंडीशनल सेंटेंस। कंडीशनल सेंटेंस में हम बताए थे कि इफ वाला सेंटेंस अगर आपका V1 या V5 में रहे तो आपको कॉमा के बाद वाला देखना है सेल विल में, क्या चीज में, सेल विल में। अभी जरूरी नहीं क्या कि इफ ही आएगा, यहाँ पर इफ ही आएगा ये जरूरी नहीं है, इसके जगह पर हम बता दिए थे आपको कि क्या क्या आ सकता है, इफ भी आ सकता है, व्हेन भी आ सकता है, एज सून एज लॉन्ग एज अंटिल अनलेस कि कोई भी आ सकता है। तो यहाँ देखिए क्या चीज से स्टार्ट है और कॉमा के बाद आप देखेंगे क्या चीज है विल, अगर कॉमा के बाद वाला दे दिया है तो इसमें हमको V1 V5 खोजना है, लेकिन यहाँ पर श्याम है, श्याम के लिए सर विल कम आएगा नहीं, कम आएगा नहीं, कम आएगा नहीं, कम आएगा, बात खत्म है, ऑप्शन नंबर सी आंसर। आगे हम बात करेंगे, गौर से देखेंगे। अब इस बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि ही इज दैस इंटेलिजेंट ए होगा एन होगा कि द होगा, तो इस बात को समझने से पहले थोड़ा सा समझ जाइए आर्टिकल का क्या कॉन्सेप्ट है, आर्टिकल का बाबू क्या कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले बात समझे। हम लिख रहे हैं राम इज बॉय, और लिख रहे हैं हम राम इज बॉय, राम इज इंटेलिजेंट बॉय, और तीसरा लिख रहे हैं हम राम इज अब अगर इस बात को थोड़ा गौर से समझे, सबसे पहली बात बाबू कि नाउ आर्टिकल आता किसके लिए है, आर्टिकल जो है किसके लिए आता है, तो आर्टिकल आता है मेरे भाई नाउन के लिए, किसके लिए आता है बाबू, नाउन के लिए। अच्छा गुरुजी यहां पर नाउन है, अच्छा नाउन है तो इसके लिए हम ए लगा देंगे क्योंकि इसका साउंड ब है, हम आर्टिकल में समझेंगे। गुरुजी यहां पर ये हो गया नाउन, और नाउन से पहले आ गया है एडजेक्टिव, क्या आ गया है एडजेक्टिव, तो आएगा तो यहाँ आर्टिकल नाउन के लिए ही आएगा, यहां पर आर्टिकल नाउन के लिए है, लेकिन आएगा इसके अकॉर्डिंग, इसका आई है तो यहां पर हम लगा देंगे। लेकिन थोड़ा गौर से समझिए, ये तो डायरेक्ट इंटेलिजेंट लिखा है राम तेज है, ये तो आगे नहीं लिखा कि राम तेज क्या है, लड़का है कि स्टूडेंट है, तो यहाँ पर अगर आपकी नाउन की अनुपस्थिति है, अगर नाउन की अनुपस्थिति है और यहाँ पर डायरेक्ट एडजेक्टिव है तो इन्हें लगा देंगे राम एक तेज है, राम एक तेज नहीं है, क्योंकि आर्टिकल का काम आता किसके लिए, आर्टिकल आर्टिकल आता है बाबू नाउन के लिए, किसके लिए आता है नाउन के लिए, तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा भाई आर्टिकल नहीं आएगा। अगर आप गौर से देखेंगे ही इज इंटेलिजेंट क्या लिखा है बाबू एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले तो आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन नाउन रहनी चाहिए, यहाँ पर क्या होनी चाहिए थी नाउन, और नाउन तो है नहीं, अगर नाउन नहीं है तो ना ए आएगा एन आएगा ना द आएगा, हमारा ना बात होगा नॉन यानी नो आर्टिकल। आगे हम बात करते हैं बाबू, अब देखिए अगर इस बात को अगर समझेंगे हम कि 1914 ये पास्ट की बातें हैं, तो हम बताए थे कोई भी आपकी पास्ट ईयर हो, क्या हो पास्ट ईयर हो, तो इसके लिए हम क्या चीज का प्रयोग करते हैं बाबू V2 का, यानी प्रीवियस ईयर हो, इसी को हम क्या बोलते हैं बाबू प्रीवियस ईयर, क्या बोलते हैं प्रीवियस ईयर। तो द क्या लिखा है द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर बिगेन नहीं होगा, बिगेन्स नहीं होगा, बिगिनिंग नहीं होगा, क्या होगा बिगेन, क्योंकि यही क्या है V2, आई बात समझ में। चलिए आगे हम अगर बात करेंगे बाबू, तो लिखा है चूज द करेक्ट स्पेल्ट आउट ऑफ गिवन अल्टरनेटिव, इसमें से आपको करेक्ट चुनना है, इसमें से आपको लिखा है अकोमोडेशन, अकोमोडेशन नहीं जच रहा है, आगे हम बात करेंगे तो अकोमोडेशन नो, इसका स्पेलिंग होता है देख लीजिए A-C-O-M-M-O-D-A-T-I-O-N,
एकोमडेशन, एकोमडेशन की बात हम करें बाबू तो एकोमडेशन मतलब होता है निवास स्थान। क्या होता है? निवास स्थान, या इसी को हम बोल सकते हैं आवास। इसी को हम क्या बोलेंगे बाबू? आवास। तो आप मिला लीजिए ए डबल सी, ए डबल सी ओ डबल एम ओ डी ए टी आई वन, डबल एम ओ डी ए टी आई वन। ठीक है, चलिए आगे हम बात करेंगे बाबू 17 नंबर पे। 17 नंबर पे व्हाट इज अ टाइम डज फॉर। देखिए अब सबसे पहली बात, एक वर्ब आता है लीव, लीव मतलब लीव के साथ एक प्रेपोजिशन जुड़ जाता है फॉर, और इसका मतलब होता है बाबू प्रस्थान करना। क्या होता है? प्रस्थान करना। क्या होता है बाबू? प्रस्थान करना। अगर हम बात करें बाबू लीव का मतलब होता है क्या, लीव फॉर का मतलब होता है प्रस्थान करना। अगर गौर से देखेंगे व्हाट टाइम डज द बस सेंट्रल लंदन, तो बस सेंट्रल लंदन से कब प्रस्थान करेगी, तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो गया, लीव फॉर। आगे हम बात करेंगे, देखेंगे देयर इज अ हाउस नाउ फार अवे वेयर, ये लाइन किससे लिया गया। तो पहले एक बात हम समझ जाते हैं कि जब कभी भी आपको ये देखिए एक दो नंबर का आता है अभी, जब कभी भी आपको लगे दिखाई दे, आपको देख लीजिए विंडो, वैसे इसके लिए हम ट्रिक लेके आ रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें हाउस, क्या है बाबू? हाउस। उसके बाद भी अगर हम बात करें बाबू इस सब की बातें जिक्र हो तो कुछ से नहीं होगी, ये होगी माय ग्रैंड मदर हाउस, और इसके राइटर्स कौन है? कमला दास। कौन है? कमला दास। तो बस यहां देखिए अगर आप गौर से देखेंगे तो लिखा है हाउस, और उनके घर गई दादी से रिसीव लव, यानी कि लव प्राप्त करने के लिए, तो माय संग ऑफ चलने और टू ऑटमन नहीं, माय ग्रैंड फादर मदर्स हाउस, माय ग्रैंड मदर्स हाउस। और इसी के साथ हम 19 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, और गौर से देखेंगे आपको कि आई सॉ, मैंने एक देखा क्या चीज को, बेगर को, भिखारी को। तो गौर से देखिए सबसे पहली वन आइट, उसका एक आंख, वन आई, वन आई, वन आइट। पहले आप एक बात समझ जाइए, ये जो बाबू बेगर लिखा है ना, ये बेगर लिखा है आपका नाउन, क्या होगा बाबू? ये नाउन होगा। बेगर क्या लिखा है बाबू? नाउन। अगर इसके आगे की बात हम करें बाबू, तो इससे आगे आएगा एडजेक्टिव। नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव आता है। तो यहां पर सबसे पहले वन आई कहने का तो सेंस गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि एक ही आंख तो होगा नहीं, एक आंख खराब है कहने का मतलब। तो अब वन आइट एंड वन आई को हटाइए आप, अब बच गई इसमें और इसमें कहानी। तो अब इसमें हम देखेंगे कि वन वो आ रहा है वो, आई बात समझ में। नंबर 20 पे चलेंगे, ये आखिरी क्वेश्चन है आज का, इसको थोड़ा समझेंगे। ये वॉइस है, ये क्या है बाबू? वॉइस है। एक भाई बात हम अब ये करा के आए कि बाबू अगर आपको मिलता है डू, आपको मिलता है डज, आपको मिलता है बी वन, आपको मिलता है बी फाइव, तो आप इसको कुछ मत करिए, आप दिए गए ऑप्शन में इज आर एम, लेकिन अकेले होना चाहिए। इसके बाद अगर सिर्फ और सिर्फ बी थ्री तो लगभग करता है, बी थ्री तो सब पैसिव में कंपलसरी है, आप खोजना शुरू करिए, इसके अलावा कुछ नहीं। आप नीचे से देखिए बीन लिखा है, होगा आंसर? नहीं। आप इसमें देखिए बीन लिखा है, होगा आंसर? नहीं। आप इसमें देखिए बीन लिखा है, होगा आंसर? नहीं। अब देखिए एक ही ऑप्शन में है आपका ऑप्शन नंबर, कुछ मत। आप देखो हमने क्या कहा कि डू डज बी वन बी फाइव आता है, तो आप सिर्फ इज आर एम खोजना शुरू करिए। देखिए इसमें इज तो है लेकिन बी का दूसरा भी फॉर्म है बीन, होगा? नहीं होगा। इसमें इज तो है लेकिन बीन भी है, होगा? नहीं होगा। इसमें तो है ही नहीं, है से शुरू है, तो गड़बड़ा गया, मेरा एक ही आंसर बच गया, क्या? बीन। इसी के साथ आज का इस हुआ खत्म। आप इस 20 क्वेश्चन को इतने अच्छे से कर जाइए, इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। हमने जहां तक की है बहुत ही अच्छे से कराया है, ऐसे हम आपके लिए, और जल्दी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं बिहार बोर्ड मॉडल 2023 का। बने रहिए, सब्सक्राइब करिए, और जितने भी जरूरतमंद गरीब बच्चे हैं उन तक आप लोग शेयर करिए। थैंक यू।